वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि नवंबर 2023 के कुंभ राशि की इस वीडियो में क्या जानकारी देने वाला हूं। जी हां, आपने सही देखा है। कितना ही संघर्ष किया हो, नवंबर में जीवन में वापसी करोगे। आपने लाख कोशिशें की हो, प्रयत्नों के बावजूद भी फल न मिले हो, मेहनत व्यर्थ हो रही है। तब शनि ग्रह और गुरु गोद में उठा लेते हैं तो वह रंग से राजा बना देते हैं। परिवर्तन होता है और मैंने देखा भी है। यह मेरा 17 सालों का अनुभव है। इनके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप कुंभ राशि व कुंभ लग्न के जातक हैं तो वर्तमान में शनि आपके द्वादश भाव का बल दे रहे थे। अब जैसे ही 4 नवंबर से शनि मार्गी हो गए तो वह लग्न व मूल त्रिकोण का भी फल देंगे और नवंबर शुरू होने से 2 दिन पहले ही गुरु भी राहु की छाया से मुक्त हो गए, तो जिसकी उम्मीद थी वही होगा। तो अब आपको ध्यान से सुनना है, चलिए शुरू करते हैं। कुंभ राशि नवंबर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए? सबसे पहले तो जैसे ही शनि ग्रह 3 साल के बाद अपनी स्वराशि में मार्गी हो गए तो आपके जीवन में आर्थिक स्थिति से संबंधित जो भी समस्या चल रही है उसे उखाड़ कर फेंक देंगे। पारिवारिक जीवन से लेकर सामाजिक स्तर पर हर जगह पर खुशियों को लौटा कर देंगे। करियर की दृष्टि से भी नवंबर महीने में आपको बड़ी सफलता हासिल होगी। नौकरी पेशा युवाओं को लग रहा था कि अब जीवन ऐसे ही चलेगा, काम तो करना ही है, तो शनिदेव आपके मस्तक से काम के बोझ को हल्का कर देंगे, उतार कर फेंक देंगे, छुट्टियों का लाभ देंगे। नौकरी पेशा लोगों को उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग देखने को मिलने लगेगा। अगर आप किसी बिजनेस में योजना के तहत कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको लाभ मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि नवंबर में ही लाभ मिलेगा, आप जो भी बिजनेस के लिए डील करेंगे, जो भी कदम उठाएंगे, वह भविष्य को भी बेहतर करेगा। क्यों बेहतर करेगा? क्योंकि शनि तो मार्गी हो चुके हैं, आपके लग्न में है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी कुंडली में तृतीय भाव में राहु का हटना निसंदेह ही एक बड़ी घटना आपके जीवन में घट रही है। क्योंकि जब वह तृतीय भाव को छोड़ देंगे तो आपका सकारात्मक रवैया ही आपको करियर में बेहतरी करवाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर है तो आपका कामकाज बेहतर होने लगेगा। नौकरी ढूंढ रहे युवाओं को अच्छी खबर मिल जाएगी। ऐसा नहीं है ये लाभ केवल युवाओं को ही मिलेगा, लेकिन कार्य से जो भी वंचित है, धन कमाने की कोशिश कर रहे हैं, योग्यता के बावजूद भी काम नहीं है, तो उन सारे व्यक्तियों को कमाई के साधन मिलेंगे। साथ ही आपको संपत्ति से भी पूरा लाभ मिलेगा। 30 अक्टूबर के बाद अब महसूस भी करेंगे कि कुछ तो बड़ा हो रहा है, क्योंकि गुरु भाग्योदय के भाव पर दृष्टि कर रहे हैं। राहु के प्रभाव के चलते वह पिछले समय में फल नहीं दे पा रहे थे, तो अब क्या होगा, गुरु आपका भाग्य बदल कर रख देंगे। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत शानदार रहने लगेगा। आपकी हर मुश्किलों में जीवन साथी का सहयोग मिलने लगेगा। साथ ही अगर आप किसी को प्यार करते हैं और आप प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो वहां पर भी स्थितियां सुखद रहेगी। 6 नवंबर 2023 के दिन बुध भी कर्म भाव में पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपके व्यापार में जबरदस्त प्रगति देने लगेंगे। आप चाहे तो लिख कर ले सकते हैं। अगर आपके वहां थोड़े ग्राहक आते थे तो आपके वहां पर भीड़ लगेगी, लगातार धन मिलेगा, आपका मुनाफा 2-3 गुना बढ़ जाएगा। जो उद्यमी है, बिजनेसमैन है, वह भी अपने प्रोडक्ट को अच्छे से सेल कर पाएंगे, आपका बिजनेस का विस्तार होगा। और वैसे भी बुध जब मंगल के घर में आते हैं तो वह विदेश में बसने वालों को अचानक से लाभ देने लगते हैं। इसके साथ साथ जो मास्टर की डिग्री कर रहे होते हैं, उच्च अभ्यास कर रहे होते हैं, उनका कैंपस में ही सिलेक्शन हो जाता है। बड़ी कंपनी आपको सिलेक्ट कर लेती है, नौकरी मिलती है, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता देती है। यानी कि बुध आपको सर में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में दर्द आदि से संबंधित समस्याओं के समाधान के साथ साथ बुद्धि और व्यापार में भी अप्रत्याशित लाभ देकर जाएंगे और वह आपको मिलने भी वाला है। 2 नवंबर को शुक्र ग्रह जैसे कन्या राशि में पहुंचेंगे वैसे ही आपके मन में चल रही उलझनों को खत्म कर देंगे। आपके सामने 2 विकल्प है, आप वही घिसी पीटी जिंदगी जिए
या फिर जो नया व्यवसाय या फिर जो नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे स्वीकार करें, तो शुक्र स्थिति को स्पष्ट करने में आपकी मदद करेंगे और नवंबर मंथ में पिक्चर क्लियर भी हो जाएगा। जो महिलाएं अपने प्रमोशन के लिए प्रयासरत है उन्हें प्रमोशन तो मिलने में दिक्कत होगी, लेकिन आपकी सैलरी में वृद्धि अवश्य होगी, कुछ लाभ मिलेगा। आपके परिवार में छोटे भाई बहन है तो उनको खासतौर पर जॉब से संबंधित लाभ मिलेगा। विदेश में किस्मत खुल सकती है। जब कुंभ राशि में ससराज योग का निर्माण हो रहा है तो एक बात तो तय है कि आप घाटे में तो नहीं रहेंगे। कारोबार में फिर स्थिति बदलेगी, कार्य क्षेत्र में वृद्धि के अवसर मिलेंगे, भौतिक सुख सुविधाओं में इजाफा होगा, अधूरी इच्छाएं पूर्ण होने का रास्ता निकलेगा। क्योंकि ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं। हालांकि कुछ दुर्योग भी है जो आपकी भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, लेकिन कुंडली विश्लेषण करके आप उन्हें समझ भी सकते हैं। 16 तारीख के बाद सूर्य जब कर्म भाव में पहुंचेंगे तो आपकी जिंदगी आसान बना देंगे, आसान हो जाएगी। सरकार में लंबित कार्य है वह भी आगे बढ़ने लगेंगे। जिस अधिकारी के साथ आप रिश्ते सुधारने में लगे हुए हैं उनका सहयोग मिलेगा। राजनीति से संबंधित आपके प्रयास सफल रहेंगे और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी किसी भी कार्य से संबंध रखते हैं तो आपकी किस्मत तो बदलना तय है। क्योंकि जिनकी आप उम्मीद करेंगे, जिनकी आप आशा करेंगे, वह भी आपको शुक्र के रूप से मिलेगा। खास तौर पर जो लग्जरी लाइफ बिताते हैं, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं, मीडिया से संबंध रखते हैं, उन लोगों को भी अवसर के साथ साथ धन कमाने के लाभ अवश्य मिलेंगे। सबसे अच्छी चीज आपके लिए होगी तो वह होगी जीवन में चल रहे विवाद और कोर्ट कचहरी में चल रहे विवादों का समाधान निकलेगा। शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे और अगर आप चाहते हैं कि आप व्यापार में प्रतिस्पर्धा में आगे रहे तो यह भी संभव होगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। कुल मिलाकर नवंबर 2023 कुंभ राशि वालों के लिए नए अनुभव, नया जीवन और परिवर्तन लेकर आया है। क्या करें उपाय? तो आप लोग केवल झूठ बोलना छोड़ दीजिए और शनि मंत्र का जाप करें, गरीबों को खाना खिलाएं, बस इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।